पतझड़ के एक दिन आंधी के गुस्साए बादल गरजने लगे और अपनी तूफानी हवा से जंगल और उसके झरनों को डराने लगे। मैं जंगल का राजा हूँ, यहाँ रहने वालों में सबसे ऊंचा और सबसे ताकतवर हूँ। इस तूफानी हवा और बेकार आंधी के सामने मैं खड़ा रह सकता हूँ। हम पतली और कमजोर जरूर हैं, लेकिन हमें तूफानी हवा से लड़ना नहीं है, हम झुककर लहरा सकते हैं। जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, भयानक हवा और भी जोर से बहने लगी, जैसे कि बवंडर की ताकत हो। सबसे ताकतवर और शक्तिशाली हूँ, मैं झुकूंगा नहीं। मैं इन भयानक हवा का सामना कर सकता हूँ। अचानक टूटने की आवाज के साथ देवदार लहराने वाले घास के पास के झरने में गिर गया। ओह नहीं, देखो, जंगल का राजा एक छड़ी के समान गिर पड़ा। इस भयानक आंधी की ताकत ने उसे गिरा दिया। तुम अभी भी खड़े हो? मैं यहाँ टूटकर गिर गया हूँ। क्यों? ओ, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ? तुम बहुत घमंडी हो देवदार। तुम ताकतवर हवा से बहुत लड़ते रहे, अब तुम हमारे पैरों के पास हो। हम जानते थे कि ऐसी ताकत के सामने खड़ा नहीं रहा जा सकता है, इसलिए हम छोटे से झोंके के सामने भी झुक जाते हैं। इससे हम हमेशा खड़े रह सकते हैं। टूटने से झुकना बेहतर है। जानते हो बच्चों, इस कहानी से ये सीख आपको मिल गई ना? हाँ? सुधारने के लिए उकसाऊंगा, लेकिन प्लीज पहले तुम जाओ और पूरी कोशिश करो।